हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल मैंने 4 होमवर्क दिए थे, 60 क्वेश्चन किसी ने किया? कर लिया? प्रॉब्लम है फ्लक्चुएटिंग में? चलो करेंगे, अभी जाते टाइम करेंगे 60th क्वेश्चन। बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 63 के साथ, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेटा, मुझे आज भी 4 क्वेश्चन करने हैं पूरे। बेटा क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ रहे हैं, मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3, या कैपिटल इसे छोड़ दे भाई। मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशो ऑफ 2:3, द कैपिटल एज ऑन 1st of April 2015 शोड अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। The drawings of Meeta and Usha during the year 15-16 were 32,000 and 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st of January 16. It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st of March 16. Interest on capital at the rate 6%, interest on drawings at the rate 6%. And Meeta was entitled to a commission of 8,000 for the whole year. Show your working clearly, pass a rectifying entry in the books of the firm. बेटा कल हमने जितने क्वेश्चन करे सब में एक एरर थी, ठीक है ना? आज बेटा अभी ये क्वेश्चन, इसमें 3 एरर है ना, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया, और मीता को कमीशन देनी है वो भी नहीं आपने दी, ठीक है जी? 3 एरर वाला आप क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 63 आप सब सामने देख रहे हैं, जो बेटा कल नहीं आए थे और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उन्हें कुछ समझ नहीं आ सकता, बस वो बैठे रहे बेटा चुपचाप, और कुछ नहीं हो सकता। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% देना है, और मीता को कमीशन देनी है। आपको बेटा ओपनिंग कैपिटल दी गई है 1,40,000 और 1,20,000, दे दो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। बेटा मीता की ओपनिंग कैपिटल है 1,40,000, 6% इंटरेस्ट देना है। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगी, सर पार्टनरशिप फर्म का खर्चा, लेकिन वो चीज़ पार्टनर के लिए इनकम है, तो बेटा ये मीता को मिलेगी इनकम। ऐसे ही बेटा 6% उषा को, बेटा 1,20,000 का 6% 7,200 बेटा इनकम मिलेगी, जबकि ये दोनों चीज़ें पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्च है, ठीक है जी? बेटा पार्टनरशिप फर्म का खर्चा डेबिट साइड, पार्टनर की इनकम पार्टनर के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दी। बेटा कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बेटा चार्ज करना है आपने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बेटा 6% है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए खर्चा है या इनकम? पार्टनर के लिए, पार्टनर के लिए तो खर्चा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है वो पे कर रहा है, पार्टनर का खर्चा है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म की इनकम है। पार्टनर का खर्चा तो पार्टनर के डेबिट में रिकॉर्ड होगा और पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिट में। बेटा आपने बोलता है ड्राइंग्स करी है 32,000 और 24,000, लेकिन ये ड्राइंग्स बेटा 1st of January को करी है। 6% ब्याज चार्ज करना है बेटा 3 महीने का, 1 जनवरी से 31 मार्च, ऐसे ही 6% इससे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। लो जी बेटा पार्टनर पे करेंगे, पार्टनर के लिए ये चीज खर्चा है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा बेटा, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। बेटा मीता को कमीशन भी देनी है 8,000, तो बेटा आप जब कमीशन देंगे पार्टनर तो रिसीव करेगा, पार्टनर के लिए ये चीज़ इनकम है बेटा, और पार्टनरशिप फर्म के लिए ये चीज़ खर्च है, ठीक है जी? तीनों एरर बेटा रिकॉर्ड कर दी, बस निकालो बैलेंस और बांट के ख़त्म करो। लो जी बेटा बैलेंस निकाल रहा हूँ मैं, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। बेटा हाईएस्ट टोटल आपने प्लेस कर दिया दोनों साइड,
बेटा बैलेंस निकाल लो, क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है। आप निकाल लेना बेटा बैलेंस, ये बेटा बैलेंसिंग फिगर है। और अगर बेटा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड है, ये बटेगी कहाँ? ये पार्टनर में डेबिट में बटेगी। और बेटा किस रेशो में बांटनी है? कहता है बेटा 2:3 में बांटनी है। तो बेटा बांट दो 2:3 में। यानी कि बेटा मीता को मिलेगा शेयर 9104 और बेटा उषा का शेयर कैलकुलेट कर देते हैं और उषा को बेटा मिलेगा 13656। बेटा कैलकुलेट कर लेना, क्वेश्चन फिनिश हो गया। बेटा एंट्री हो जाएगी उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट 6816, क्वेश्चन फिनिश। क्लियर बात? तो बेटा कुछ बदला थोड़ी, कल एक एरर कर रहे थे, आज 3 एरर कर रहे हैं, बदल उससे कुछ नहीं रहा बेटा, ठीक है ना। अभी इसी टाइप के मुश्किल क्वेश्चन भी करने हैं हमारे को। 63 हो गया बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 65 स्टार्ट करेंगे। जिसने नोट करना है बेटा एक बार नोट डाउन कर लो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन 31st of March 2021 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैपिटल ऑफ पी क्यू एंड आर स्टूड इन अ बुक्स ऑफ अ फर्म एज फॉर एट 40,000 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। कहता है बेटा बुक्स क्लोज करने के बाद बेटा पी क्यू और आर की कैपिटल 40,000 30,000 और 20,000 है बुक्स क्लोज करने के बाद। That means ये बेटा क्लोजिंग कैपिटल है। Subsequently it was noticed that interest on capital at the rate 5% had been omitted। बेटा बाद में पता लगा कि interest on capital 5% देना भूल गए हो। Profit देता है बेटा 60,000, partner की drawing देता है 10,075,500। Profit sharing ratio भी आपको बताता है और आपको कहता है बेटा adjustment entry कर दो। लो प्यारे बच्चों सामने देखना। बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में टास्क आपके लिए ये है कि आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है, कभी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं मिलता, ठीक है जी। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं बेटा। 3 पार्टनर है बेटा पी क्यू एंड आर और हमारे सामने बेटा क्लोजिंग कैपिटल है। ये कैसे पता लगा क्लोजिंग कैपिटल है? उसने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करने के बाद है ये सब कुछ। चलो जी बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है बेटा? 40,000 30,000 और बेटा 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, प्रॉफिट है 60,000। सर फॉर्मेट देखो, ओपनिंग कैपिटल में अगर आप प्रॉफिट जोड़ते हो, ड्रॉइंग्स माइनस करते हो और बहुत सारी एडजस्टमेंट करते हो तब आप क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचते हो। मैंने ये दो बातें इसलिए लिखी क्योंकि इस क्वेश्चन में यही दो गिवन है, ठीक है जी। 60,000 रुपये बेटा प्रॉफिट गिवेन है और PSR बताता है बेटा 3:1। तो बेटा 30,000 का प्रॉफिट इसका, 20,000 का प्रॉफिट क्यू का और 10,000 प्रॉफिट आर का, 3:1 में बांट दिया मैंने प्रॉफिट। और ड्राइंग्स देता है बेटा मुझे 10,075,500। लो जी 10,075,500 और बेटा 4,500। सर ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। बेटा क्लोजिंग कैपिटल पता है, दोनों चीज़ें पता है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, साइन रिवर्स कर देना। 40 में 10 जोड़ दो 50, 30 माइनस कर दो बेटा 20,000, ठीक है ना। फिर भी वेरीफाई कर लेना, 20,000 में 30,000 जोड़े 50, 50 में से 10 गए बेटा 40, 30 में बेटा ये जोड़ दो और ये माइनस कर दो 17,500, 20,045,000 ये आएगा बेटा 14,500, ठीक है जी। आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकल ही जाएगा बेटा। लो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया बेटा।
सर खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था, फटाफट से दिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। सर ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट जब पार्टनरशिप फर्म देगी तो बेटा पार्टनर को रिसीव होगा, पार्टनर के लिए इनकम और पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा। 20,000 का 5% 1,000, 17,500 का 5% 875 रुपये, 14,500 का बेटा 5% 1,425 रुपये। बेटा 2,600 रुपये का इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा। ओहो अच्छा यहाँ पर सॉरी बेटा, पार्टनर के लिए इनकम, पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा, ठीक है जी। बेटा बस क्वेश्चन तो खत्म हो गया, मुझे क्या करना है बेटा, बैलेंस निकालना और बैलेंस बांटना है। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल को बेटा प्लेस कर दिया दोनों साइड। बेटा बैलेंस आया 2600, बांट दो बेटा 2600, रेशियो गिवन है बेटा आपको 3:1। तो बेटा अगर कोई चीज पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिट में लिखी जाती है बेटा, वही चीज पार्टनर के लिए डेबिट होती है, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा इसको भी सॉल्व कर लेना, 2600 ये 2/6 यानी कि 1/3, 867 ये आएगा बेटा 433। लो जी बेटा यहाँ 300 रुपये डेबिट है, यहाँ 8 रुपीस क्रेडिट है और यहाँ बेटा 292 क्रेडिट है। सॉल्व कर लेना, होगी कहानी खत्म बेटा। बाबू एंट्री होगी पी डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये 300, ये 8, ये 292। सिंपल बेटा, जिसने भी नोट करना है फटाफट से नोट करना बेटा। पहले होमवर्क नोट डाउन कर लो, आज के लिए होमवर्क है बेटा क्वेश्चन नंबर 64, 66, 67, 68, चार ही होमवर्क हैं, चार मैं भी करूँगा। 64, 60, मैंने कौन 66, 67, 68, ठीक है ना बेटा। मैंने अभी दो क्वेश्चन कर दिए हैं आपके लिए, 63 भी कर दिया, 65 भी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 69 एक बार मैं कर देता हूँ और बेटा कल ये टॉपिक फिनिश करेंगे। सर वो तो होमवर्क दे दिया ना मैंने, सिंपल क्वेश्चन है। 69 थोड़ा अलग है, ये अपने आप में यूनिक टॉपिक है बेटा एक। चलो जी, कहता है बेटा नवीन कादर एंड राजेश्वर पार्टनर डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वर ड्रॉन अप एंड क्लोज, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन अलाउड टू द पार्टनर 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2017 and 2018, although there is no provision for interest on capital in a partnership deed। बेटा कहते हैं जब आपकी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स क्लोज हो गए तो आपको पता लगा कि आप पिछले दो साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बांटी जा रहे हैं, जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ, पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी, यानी कि गलत बांट रहे हैं बेटा, वापस लेना पड़ेगा। चलो जी पढ़ते चलो। ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3500 एंड 4000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली विच हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। कहते हैं नवीन और कादिर को सैलरी भी देनी थी, वो भी नहीं दी आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, वो देते रहे, जो सैलरी देनी थी बेटा वो नहीं दी आपने। क्या दोनों सालों की, क्योंकि उसने बोला दोनों सालों के लिए नहीं दी आपने। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4,360,240 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर, दे हैड शेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉसेस एज फॉलो। बेटा 31 मार्च 2017 को उनकी रेशो बिल्कुल अलग है और 31 मार्च 2018 के लिए उनकी रेशो बिल्कुल अलग है। अब सुन लो बेटा, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया। सर ये ना एक एनालिटिकल टेबल में क्वेश्चन हो नहीं सकता। अगर मैं एक एनालिटिकल टेबल बनाऊं तो 2017 के लिए बना दूंगा, ठीक है ना। मैं दोनों की बना इकट्ठे देता अगर ये दोनों सालों की रेशो सेम होती। दोनों सालों के लिए बेटा पीएसआरई आपकी अलग अलग है, तो बेटा यानी कि इस क्वेश्चन में दो एनालिटिकल टेबल बनेंगी, एक से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है जी। तो पहले 2017 के लिए बनाते हैं, फिर 2018 के लिए बनाते हैं और दोनों का सम अप करके बेटा एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब ये मत कहना कि एंट्री भी दो कर दो। सर एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा एक होती है और एक एंट्री से हम सारे इफेक्ट खत्म करते हैं पिछली सारी गलतियों के, ठीक है जी। चलो जी बेटा बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। लो जी एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं।
कितने पार्टनर हैं बेटा? तीन है ना, तीन पार्टनर हैं, नवीन, कादिर और राजेश। चलो जी बेटा, आपको बोला जाता है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दिए जा रहे हो, जो कि नहीं देना था। और आपको बेटा उनकी कैपिटल पता है, फिक्स्ड कैपिटल पता है, 4 लाख, 3 लाख 60 हज़ार और 2 लाख 40 हज़ार। अब एक बात समझ लो सर, मैं इसको ओपनिंग मानूं या क्लोजिंग मानूं? सर सही मायने में तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है ना, जो सारी एडजस्टमेंट के बाद आई है। पर फिक्स कैपिटल के साथ सहूलियत क्या है बेटा? बाबू अगर इंटरेस्ट अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है तो बेटा यही ओपनिंग रही होगी। सर है ये क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन बेटा फिक्स कैपिटल के साथ एक सहूलियत है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं पता और बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी गिवन नहीं है तो बेटा वही चीज ओपनिंग होती है, वही चीज क्लोजिंग होती है, वही चीज ओपनिंग होती है, वही चीज क्लोजिंग होती है। ये है बेटा 2 साल बाद की कैपिटल, यानी कि 31 मार्च 2018 की कैपिटल, लेकिन बेटा यही कैपिटल 1 अप्रैल 2016 को भी होगी, क्योंकि ना तो कोई एडिशनल कैपिटल की इन्फो है आपके सामने, ना ही बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दे रखा। ठीक है जी, समझ में आया बेटा? यही ओपनिंग कैपिटल होगी जब कोई इन्फो ही नहीं है आपके सामने। तो बेटा अब मेरे को इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देना होता है, यही क्लोजिंग है यही ओपनिंग है, तो कोई खासा अंतर फिर रह नहीं गया बेटा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता है। 4 लाख की कैपिटल है बेटा, 3 साठ की कैपिटल है और 2 40 की कैपिटल है, 6% आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो जबकि देना नहीं था। तो सर लें वापस बेटा, आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, और जब आप पार्टनर से बेटा वापसी मांगेंगे कि ब्याज, तो पार्टनर के लिए वो चीज़ लॉसेस है, जबकि पार्टनरशिप फर्म को वो मिलेगा तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। 4 लाख का 6%, 24 हज़ार आपने नवीन से लिया, 3 लाख 60 हज़ार का 6%, 21,600 बेटा आपने कादिर से वापस मांगे, और बेटा 2 लाख 40 हज़ार का 6%, 14,400 आपने राजेश से पैसे वापस मांगे। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म को मिलेंगे ये 60,000 रुपये, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा नवीन और कादिर की सैलरी देनी थी, वो आप दे नहीं रहे। बेटा नवीन और कादिर को सैलरी देनी है आपने कितनी कितनी बेटा? 3,500 और 4,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर की सैलरी है, यानी कि बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 14,000 आपने नवीन को देने हैं बेटा और 16,000 रुपये आपने कादिर को देने हैं। जब बेटा इनको सैलरी मिलेगी तो बेटा इनके लिए तो इनकम, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के खर्चे, बस दो ही तो गलतियां की हैं, कर दो ठीक बेटा। लो जी बेटा, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, तो बेटा आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, ये डेबिट साइड आएगी बेटा 30,000। बेटा बैलेंसिंग फिगर आ गई, अगर ये पार्टनरशिप फर्म के डेबिट में आई है तो बटेंगी कहां पर बेटा? पार्टनर्स में, क्रेडिट में, सॉरी क्रेडिट में बटेंगी। और बेटा रेशो क्या है फर्स्ट ईयर की? 3:2:1। बेटा बांट दो इसको 3:1 में, बाबू 3/6 मिल जाएगा बेटा नवीन को, 2/6 10,000 रुपये मिल जाएंगे कादिर को, और बेटा राजेश को मिल जाएंगे 1/6, ठीक है जी। लो बेटा कर दो सम अप, ये 24,000, ये 29,000, ये बेटा 26,000, 14,400 और ये 5,000। बेटा यहाँ 9,400 का डेबिट है, यहाँ बेटा 4,400 का क्रेडिट है, और यहाँ बेटा 5,000 का क्रेडिट है। लेकिन बेटा इसके बेसिस पे कुछ मत करना, क्योंकि अभी दूसरा साल रहता है, दूसरे साल में भी आपने यही दोनों गलतियाँ कर रखी हैं, ठीक है जी। चलो जी बेटा, दूसरे साल के लिए भी एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं इन्हीं तीन पार्टनर्स के लिए। एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना। देखो जब आपसे दो एनालिटिकल टेबल बनवा रहा है तो उसके दिमाग में भी है कि मुझे कैलकुलेशन तो सिंपल रखनी है, क्योंकि वो तो आपका बस कंसेप्चुअल नॉलेज देख रहा है कि आपने कितना अच्छा सीखा है। बेटा दूसरे साल में भी गलती तो यही सेम है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत बांट दिया और सैलरी देनी थी वो दी नहीं।
तो बेटा ये तो फिगर मैं एज इट इज उतार रहा हूँ, 24,000, 21,600 और 14,400 आप वापस मांगोगे, पार्टनर से फर्म को मिलेगा 60,000, 30,000 रुपये की आपने सैलरी बांटनी थी वो नहीं बांटी थी, अब बांट दो, एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। बस क्या करो बेटा, बैलेंस निकालो बेटा और बांटो बेटा। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड और बेटा 30,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। और अब बेटा किस रेशो में बांटोगे इस 30,000 को, 5:3:2 में बांटोगे बेटा, बाबू 5/10 नवीन को मिलेगा, यानी कि बेटा इसको तो फिर 15,000 मिलेगा, बेटा 3/10 मिलेगा कादिर को और बेटा राजेश को मिलेगा 6/10। लो जी, बेटा सामने देखना सर, दोनों एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर होगी, जर्नल एंट्री कैसे होगी सुन लो बेटा। राजेश 9400 से डेबिट है और राजेश 8400 से डेबिट है, तो बेटा राजेश डेबिट रहेगा, दोनों की दोनों अमाउंट जोड़ दो, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,800, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा फिक्स कैपिटल है बेटा, ये ना इनकी फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, मैंने भी फिक्स कैपिटल के ऊपर लॉजिक भी बताया था, अगर बेटा कोई कैपिटल क्लोजिंग है वही ओपनिंग होती है ना फिक्स कैपिटल के केस में, ये फिक्स कैपिटल है तो बेटा एडजस्टमेंट राजेश के करंट से होगी, राजेश करंट अकाउंट डेबिट, बेटा ये 9400 का डेबिट है और ये 8400 का, मैंने अमाउंट इकट्ठी कर दी, ठीक है जी। बेटा नवीन 5000 से यहाँ क्रेडिट है, नवीन 5000 से यहाँ क्रेडिट है, तो बेटा 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा बेटा, टू नवीन करंट अकाउंट 10,000 और ऐसे ही बेटा टू कादर्स करंट अकाउंट, दोनों अमाउंट जोड़ दो बेटा 4400 और 3400, ये बेटा 7800 से क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबू फिर पर्पस डिफीट हो गया ना, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तेरे को बता देता हूं, कहीं तो क्वेश्चन बोलते हैं कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से क्लियर करो, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ तेरे को, एक आध क्वेश्चन में शायद लिखा हो भी हो, ऐसे ही पेपर में कई बार आता है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से ही करना, वर्ड दिखे तो सही। इस बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन बहुत जगह पे वर्ड लिखा होता है कि आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो बेटा फिर तो पर्पस डिफीट हो गया ना अगर आपने दो एंट्री कर दी तो, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना, क्लियर है बात, बढ़े आगे बेटा। अभी मैंने अब प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन करना है, आज का अपना टारगेट पूरा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है ना। और बाबू जिसने भी किया है प्रॉब्लम है और जिसने भी नहीं किया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, कल मैंने कहा भी था ये मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, ये करना है एक बार खुद से, ठीक है जी। तो बेटा एक बार मैं फटाफट से 60th क्वेश्चन कर देता हूं, जिसने बेटा इसको नोट करना है इसको नोट कर लो सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार फटाफट से पढ़ना सर, स्पीड पकड़नी पड़ेगी, तब 15 मिनट में होगा ये क्वेश्चन, अगर स्पीड पे नहीं करेंगे तो 20 से 25 मिनट खा जाएगा अकेला क्वेश्चन। कहता है बेटा, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। ऑन 31st of March 2021 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल स्टूड एट 480 एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ये क्लोजिंग कैपिटल है बेटा, 31 मार्च के दिन कैपिटल है आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है बेटा 4,80,00 और 6,00,000। ऑन 1st of May 2020 सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 120 एंड बीर विड्रियू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ऑन 1st of October 2020 सिमरत विड्रियू 240 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख इन, अच्छा बीर बस इतना ही वर्ड था, बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। सबसीक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम हैड बीन ऑमिटेड।
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021 अमाउंटेड टू ₹240 एंड द पार्टनर ड्रॉइंग्स हैड बीन, सिमरत की ड्रॉइंग देता है बेटा 120 और बीर की देता है 60। कहता है कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। बेटा मेरी तरफ देखना, आप देखोगे ना बेटा इस क्वेश्चन में ना चार चार अलग स्टैट्स दिए गए हैं। क्लोजिंग कैपिटल के अलावा मुझे चार बातें पता है। मुझे बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पता है, मुझे सिंपल ड्रॉइंग्स पता है, मुझे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस पता है, मुझे प्रॉफिट पता है, ठीक है जी। और बेटा मुझे कहता है आपको दोनों ही केस में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, फिक्स कैपिटल भी मान के देख लो और फ्लक्चुएटिंग भी मान के देख लो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल सा लॉजिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे पे होता है, ठीक है ना। मुझे ओपनिंग कैपिटल पे ब्याज देनी है ना बेटा, तो यानी कि पहले तो ओपनिंग तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो ध्यान रखना दो ही चीज़ों की एडजस्टमेंट हुई होगी। क्या कौन सी दो चीज़ें? या तो एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ना तो प्रॉफिट उसमें आया होगा ना ही बेटा ड्रॉइंग्स आई होगी, वो बेटा पार्टनर करंट में जाते हैं ना कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, याद रखना कंसेप्ट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर तो सारा का सारा एडजस्टमेंट बेटा एक ही अकाउंट में होता है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, फिक्स कैपिटल से ही करते हैं उसको, ठीक है जी, फिर फ्लक्चुएटिंग से करते हैं। क्वेश्चन ने भी मुझसे ऐसे ही पूछा है। लो जी बेटा मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 60 की, थोड़ा स्पीडी करूँगा, आप सामने देखते चलना। बेटा जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तब क्या, बेटा दो पार्टनर हैं सिमरत और बीर। सर सामने देखते रहना, ठीक है ना, एक बार मेरा करने का तरीका देख लो ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे। बेटा मेरे को क्लोजिंग कैपिटल देता है दोनों की, सिमरत की क्लोजिंग कैपिटल है बेटा 480 और बीर की है बेटा 600,000 रुपये। क्लियर बात? बेटा अगर मैं फिक्स कैपिटल की बात करूं तो ओपनिंग कैपिटल में दो ही एडजस्टमेंट हो सकती है, या तो बेटा ऐड हुआ होगा एडिशनल कैपिटल और या बेटा डिडक्ट हुआ होगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सर ना तो इसमें प्रॉफिट आता ना ही बेटा इसमें नॉर्मल ड्रॉइंग्स आती। सर ये तो याद होगा ना, याद है ना फिक्स कैपिटल अकाउंट? सर याद है कि नहीं है? दो ही तो बातें आती हैं, ठीक है ना, मैंने वही दो लिखी हैं बेटा, ठीक है ना। मेरे को ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है, क्लोजिंग देखते और क्लोजिंग गिवन है बेटा। कहता है बेटा ऑन 1st of May 2020 सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 120 एंड बीर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। 1 मई के दिन सिमरत ने बेटा कहता है 120 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और आज 1 मई के दिन कहता है बेटा बीर ने 60,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है। 1 अक्टूबर को कहता है बेटा क्या हुआ, सिमरत ने 240 निकाल लिया और बीर ने 300,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर दिए। बेटा 1 अक्टूबर के दिन सिमरत ने बेटा 240 निकाल लिए और बेटा बीर ने 110 को इंट्रोड्यूस कर दिए बेटा 300,000 रुपये। थोड़ा सा नीचे लिख देते, अभी तक बताओ कोई बात में दिक्कत तो नहीं? बेटा ओपनिंग कैपिटल तो निकल जाएगी, सामने देख रहे हैं बेटा। ये तो सीक्वेंस अगर आप सीधा फॉलो कर रहे हो तो ये प्रॉफिट प्लस करना है, तो ये माइनस करना है, तब जाकर पहुंचोगे। बेटा मैं तो उल्टा चल रहा हूं बाबू, आप साइन रिवर्स कर दो। 480 प्लस 2,40,000 माइनस 120, यानी कि बेटा ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 600,000 रुपये। ऐसे ही बेटा 10 प्लस 10 माइनस 10, यानी कि बेटा ये कैपिटल आ जाएगी 360। क्लियर बात? निकालें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आ गया फिक्स कैपिटल में, निकालें बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सामने देखना, इतना ईजी टास्क होता तो बेटा बात ही क्या रहती। मैं हमेशा नंबर लाइन बनाता हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। लो जी आज 1 अप्रैल 2020 है और सिमरत की ओपनिंग कैपिटल है बेटा 600,000, ठीक है ना। सर अगर याद कराऊं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसेप्ट जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, मैंने बेटा उसमें क्लियर कट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एडिशनल कैपिटल पे भी दिया जाता है। बोला है कि नहीं बोला? बोला है ना बेटा। लो जी 1 अप्रैल 2020 को आपने 600,000 डाले और 1 मई को आपने 120 की एडिशनल कैपिटल और डाल दी। सर 600,000 डाले थे, अगर 1-5 को आपने 120 और डाल दिया, यानी कि आपकी कैपिटल 720 हो गई होगी। और बेटा कहता है आपने 110 को 240 निकाल लिए और अगर आपने 110 को इसमें से 240 निकाल लिए, यानी कि 480 बचे होंगे, जो कि बेटा मुझे दिखाई भी दे रहा।
ठीक है ना जी बेटा, 6 लाख पे 1 महीने का ब्याज, 7-20 पे 5 महीने का ब्याज, और 4-80 पे 6 महीने का ब्याज, हो गया पूरे साल का ब्याज कैलकुलेट। लो करो कैलकुलेट, सर 1 महीने ही तो रहे 6 लाख रुपए बिजनेस में, और 7-20 ये 1-5 से लेकर 1-10 तक, यानी कि 5 महीने रहे, और बेटा 4-80 ये बेटा बचे हुए पूरे 6 महीने रहे। लो जी 6 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा, 6% है सर, 1 मंथ का 720 का 6%, ये बेटा 5 महीने का, और बेटा 4-80 का 6%, ये बेटा 6 महीने का। चलो करते हैं कैलकुलेट, चलो दी मैंने कैलकुलेट कर दिया बेटा, ये आ गया 35,400। क्लियर बात? ऐसे ही बेटा बीर के लिए कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसकी नंबर लाइन थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है ना, और थोड़ी सी छोटी बनानी पड़ेगी वरना फ्रेम से बाहर हो जाऊंगा मैं। लो बेटा 1 अप्रैल के दिन बीर की कैपिटल थी बेटा 360,000। बेटा इसने पहले 1 मई को पैसे निकाले हैं 60,000 रुपए, यानी कि बेटा 1 मई को अगर आपने 360 में से 60 निकाल लिए तो बेटा आपने बिजनेस में 3 लाख ही तो छोड़ दिए, ठीक है ना, और आपने 1-10 को कहता है बेटा 3 लाख और डाल दिए, 3 लाख और डाल दिए तो बेटा कितने कर दिए आपकी कैपिटल, 6 लाख, ठीक है, ओके बात। तो बेटा 360,000 पे 1 महीने का ब्याज, 3 लाख पे 5 महीने का, और 6 लाख पे बेटा बचे हुए 6 महीने का। लो जी करो कैलकुलेट, 360 का 6%, ये बेटा 1 महीने का ब्याज, 3 लाख का 6%, ये बेटा 5 महीने का ब्याज, और 6 लाख का बेटा 6%, 6 महीने का ब्याज। लो जी देखना सही आ भी रहा है नहीं, सही है। चलो जी बेटा फिक्स कैपिटल हो गया, फ्लक्चुएटिंग इससे आसान पड़ता है मेरे हिसाब से, फ्लक्चुएटिंग में ज़्यादा सोचना नहीं होता। खैर फटाफट से करते हैं बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। पहले बेटा जिसने नोट करना है वो नोट करो बेटा। अब सेकेंड मैथड, जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी की सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको बेटा अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो बेटा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। और मैंने एक बात और बोली थी बेटा आपको, अगर आपको याद हो, मैंने ये बात याद भी करा देता हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको बताया था बेटा, अगर कभी क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स की डेट गिवन ना हो और बेटा प्रॉफिट गिवन ना हो तो आपको एज्यूम करना पड़ता है कि आपने लास्ट डे ही पैसे निकाले और लास्ट डे ही प्रॉफिट हुआ है, याद है ना बेटा, ये बात तो याद होगी ना मेरी। आज देख लो बेटा इस क्वेश्चन में लास्ट में कहता है प्रॉफिट 31 मार्च को हुआ 240 और पार्टनर ने ड्रॉइंग करी 1-20 और 60, ये नहीं बताया किस डेट को करी। सर आखिरी में कर रहे होंगे बिल्कुल, हमें क्या मतलब, ठीक है ना जी। मेरे को बेटा पूछना है ओपनिंग कैपिटल तक, और मेरे सामने बेटा 4 चीज़ें हैं बेटा, मैं एक बार चारों को लिख देता हूँ। मुझे एक तो एडिशनल कैपिटल को ऐड करना है, मुझे माइनस करना है बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को, मुझे बेटा ऐड करना है प्रॉफिट को, और बेटा मुझे माइनस करना है ड्रॉइंग्स को, तब जाकर मेरी कहीं ओपनिंग कैपिटल आ सकती है, ठीक है ना बेटा। ड्रॉइंग्स दी हुई है सिमरत और बीर की बेटा बिल्कुल लास्ट लाइन में 1-20 और 60,000। प्रॉफिट दिया हुआ है 240 और रेशो गिवन थी बेटा पहली लाइन में 3:2, ठीक है ना बेटा। तो 3:2 कैलकुलेट कर लेना आप, 3:2 में मैंने बांट दिया बेटा। इसके अलावा वही अब डेट वाइज गिवन है मुझे एडिशनल कैपिटल, सिमरत ने 1 मई को इंट्रोड्यूस करी है 1-20 और बीर ने बेटा 1 मई को 60,000 रुपये बिजनेस से निकाले हैं। 1 अक्टूबर को बेटा सिमरत ने ड्रॉइंग्स की है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल 240 की, और बेटा 3 लाख रुपए बीर ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये 1-10 को किए हैं। सर इससे ओपनिंग कैपिटल तो निकल जाएगी, लो जी इससे ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं बेटा। साइन रिवर्स कर देना, ठीक है ना, कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए 1-20 से 1-20 गया,
240 में से बेटा अगर ये जाएंगे 141, 96,000 या माइनस के बचेंगे, और बेटा उल्टा चलते टाइम ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि बेटा 576। ठीक है जी, चलो जी बेटा। बाबू 60 और 60 माइनस कर रहे हैं 120, यानी कि बेटा इसमें से 24,000 माइनस कर रहे हैं 276, यानी कि बेटा ये कैपिटल आएगी 324,000। ठीक है, आप कर लेना जैसे भी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, बढ़े आगे बाबू। अब फटाफट से चलो मैं एक का निकाल देता हूँ, एक का आप निकाल देना। ठीक है, बनाने का तरीका फिर वही है बेटा, मैं नंबर लाइन बनाकर करूंगा इसको। बेटा 1 अप्रैल को सिमरत की कैपिटल 576 थी, ठीक है जी। उसके बाद आपने 1 मई को 120 डाल दिए बेटा, और बिजनेस में 576 में 120 और डाल दिए बेटा, 696,000। और बेटा आपने 1 अक्टूबर को बिजनेस से 240,000 निकाल लिए, 240,000 निकाल लिए बेटा। जब ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट की डेट गिवन नहीं है, हम मानते हैं बिल्कुल साल के आखिरी दिन हुए होगा, और साल के आखिरी दिन होता रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशनल कैपिटल पे। तो बेटा 1 महीने का ब्याज, 5 महीने का ब्याज और बचे हुए 6 महीने का ब्याज, 576,000 का 6% 1/12, 696, 6% ब्याज 5 महीने का, और बेटा 456,000 पे 6 महीने का ब्याज देना है 6%। ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं बेटा। 13,500, 13,680 बेटा ये आएगा 33960। आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 33960। ठीक है ना, कभी कभी मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट क्यों हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 बार मैंने हाथ से किया हुआ है, ऐसे थोड़ी गलत कर दूंगा। ठीक है ना, इतना आप कर लो तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओ। मुझे क्वेश्चन याद पड़ा बेटा, बिल्कुल कैलकुलेशन भी भाई साहब दिमाग को याद पड़ी है, यहाँ यही आना है बेटा। आप बीर के लिए कैलकुलेट कर लेना और आप होमवर्क कर लेना। अब 69 तक बेटा कोई क्वेश्चन दोबारा नहीं होने वाला, जो आपकी कल प्रॉब्लम आएंगी वो आएंगी बेटा बस। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।